Many, many questions are being raised about the exact sequence of events that basically explain how the terrorists got inside India to begin with and made their way to the Pathankot airbase. One man who may hold the key to this entire sequence of events is the police officer who was abducted by these terrorists, whose car was taken away by them, and who miraculously made it out alive. And that is, of course, the superintendent, the SP of police of Gurdaspur, Selvinder Singh. In fact, many people are saying that it was his warning that created the advanced intelligence that the airbase in Pathankot was going to be attacked. But there also remain many, many unanswered questions. And to answer some of these, we're joined by the Gurdaspur SP Selvinder Singh himself. Sir, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप जहाँ तक हमारी समझ है, आप उस एरिया में एक दरगाह पे गए थे. हाँ जी, दरगाह. लेकिन रात का वक्त था, आप अपने दोस्त के साथ थे और एक कुक के साथ थे. हाँ जी. तो लोगों ने ये बोला है कि रात के वक्त पे एसपी साहब वहाँ प्लेन क्लोज में क्या कर रहे थे, तो आप जरा बताइए क्या कर रहे थे. उस दिन वीरवार का दिन था जी, और 31 दिसंबर थी. पीर बाबा पे मैं मानता हूँ, पीबा दरगाह पे पंच पीर की जगह है, अजमेर शरीफ वालों ख्वाजा साहब की जगह है, उधर मथा टेक के हम जा रहे थे. पर बिना सिक्योरिटी के, फिर हमने सोचा कि जो धार्मिक जगह पर है इसके कोई गनमैन साथ लेना ठीक नहीं है. तो आपने कहा धार्मिक जगह है तो मैं सिक्योरिटी लेके गनमैन लेके नहीं जाऊंगा. नहीं जाऊँ, क्या करना, खिदा प्लेन क्लोथ पे चले. अच्छा सरविंदर साहब, अब हम ये जानते हैं कि आपकी गाड़ी पे हमला करने से पहले भगवाल जो जगह है वहाँ पे एक और आदमी है एकागर सिंह, उनको उसकी गाड़ी को भी पकड़ा है इन आतंकवादियों ने और उसको उसका थ्रोट स्लिट कर दिया, उसको मार दिया, आपको और आपके कुक को छोड़ दिया, क्या हुआ एग्जैक्टली आप बताइए. जो पहले वाला मसला है वो तो मुझे सुबह पता चला है, बाद में पता चला है. मेरा तो जब है तो गाड़ी मुझसे छीन ली, फटाफट हम एकदम रोकी गाड़ी. गाड़ी रोक के बोले लाइट बंद करो, बंद करो, लाइट बंद करो. वो एकदम आगे पीछे चलो, पीछे चलो. हम उसी वक्त उन्होंने हमारे को पीछे से खींचा, पीछे सीट पर बैठा दिया. बैठाने के बाद हमें दोनों उसको जो मेरा चेहरा नीचे कर दिया, दोनों का, मेरा और कुक का, तो राजेश को पीछे ले गए. राजेश जो आपका ज्वेलर दोस्त है, वो गाड़ी वो चला रहा था, वो मेरी, मैं इधर बैठा था. उसने रोक दिया, शायद पुलिस का नाका है, ठीक है. उससे पहले भी हमें एक नाका क्रॉस किया है रात को, फतेहपुर नाका है. हमने उनसे पूछा विजय कौन ये को रास्ता जा रहा है कि आगे जाना है गुरदासपुर तारागढ़. उन्होंने बोला इधर से सीधा चले जाओ, तो ये आगे. अच्छा, उसके बाद वो हमें अंदर बैठा के हमारा वो चेहरा नीचे कर दिए, बाजू मेरे पीछे कर दिए. आपको कब अंदाजा हुआ कि ये टेररिस्ट है? उसी वक्त जब उन्होंने एकदम लाइट बंद के हमको पीछे खींचा, तो मैंने कहा अब तो टेररिस्ट है और तो कोई और नहीं. आपको क्यों लगता है, क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है, पीपल आर कॉलिंग इट द मिस्ट्री ऑफ द गुरदासपुर एसपी, और उनको मिस्ट्री ये लगती है कि पहली वाली जो कार जैकिंग ये करते हैं उसके ड्राइवर को ये मार देते हैं, आपकी गाड़ी में आपको छोड़ देते हैं, आपके कुक को भी छोड़ देते हैं, आपके जो ज्वेलर दोस्त हैं उनके साथ थोड़ी आगे देर तक रहते हैं, फिर उनको भी, उनको पे हमला जरूर करते हैं लेकिन उनकी भी जान बच जाती है. लोग कह रहे हैं ये मिस्ट्री है. गुरदासपुर के एसपी को क्यों रिलीज किया ये आतंकवादियों ने? उनको क्या डर नहीं था कि आप अलर्ट कर सकते हैं? वो जानते थे क्या कि आप पुलिस अफसर हैं? नहीं, वो जानते नहीं थे पुलिस अफसर. जब जानने उसको पता चला तब उन्होंने वापस आए मुझे मारने के लिए. वो वापस आए? वापस आए. उनको कैसे पता लगा कि आप पुलिस अफसर? एक तो मेरा जो गनमैन का फोन था, हाँ, वो उन्होंने किया से फोन किया मेरे फोन के ऊपर. वो फोन मेरा नहीं, नहीं, समझाइए आपका कौन सा फोन उनके पास पहुंचा? दोनों फोन थे मेरे उनके पास ही. तो आपके पास दो फोन थे? हाँ, वो उन्होंने छीन लिए थे, दोनों छीन लिए. हाँ जी. फिर उसके बाद मेरा काफी देर हो गई, तो मेरे गनमैन ने फोन किया. आपके गनमैन ने आपके फोन पर फोन किया जो टेररिस्ट के पास था? पास था फोन. तो उन्होंने उठाया फोन? उठाया. उन्होंने बोला सलाम अलैकुम सलाम. तो उन्होंने बोला मेरा साहब कहाँ है? तो उन्होंने फोन बंद कर दिया. जब बंद कर दिया, पर आपको अजीब नहीं लगता कि चुराए हुए फोन पे टेररिस्ट फोन उठाएंगे, किसी दूसरे देश में वो इन्फिल्ट्रेट करके आए? क्यों, आपको क्यों लगता है उन्होंने फोन उठाया? मतलब लोग कह रहे हैं कि वो भी तो थोड़ा छुप छुप के, उन्होंने आपको क्यों लगता है आपको फ्री क्यों किया? उनको पता नहीं था मेरे बारे में एसपी है या कुछ, एक सिंपल आदमी है. उन्होंने गाड़ी छीनी थी, उसकी ट्रेजडी है. जितने आदमी हो उनसे एक साथ ले जाते हैं, बाकी छोड़ जाते हैं. पर आप दोनों को ही छोड़ दिया, दिया और एक, 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 तो बाकी हाँ, एक साथ लेके, एक साथ ले गए, पर वो भी बच गया, ज्वेलर भी बच गया. हाँ, अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनको जब पता लगा तो वो वापस आए आपको मारने के. हाँ लिए जी. उनको पता क्या लगा कि ये एसपी है? कैसे पता लगा? वो एक तो हूटर बच गया, मेरी गाड़ी के अंदर हूटर लगा हुआ था,
वो पता लग गया बीकन जो था नहीं वो हाँ वो हाँ, लगा हाँ, हाँ, वो लगा उसको नीचे सूचा उसको लगाया हाँ, और मेरे गनमैन से फोन से पता चल गया विजय कोई ऑफिसर है हाँ, फिर उससे उन्होंने अर्जेश से पूछा विजय कौन है फिर अर्जेश ने बोला विजय डीएसपी एसपी की गाड़ी है। अच्छा फिर उन्होंने पाकिस्तान बात की, पाकिस्तान बात करने के बाद फिर दोबारा लौटे, फिर वो मेरे को वापस लेने आए। जब मैं वापस आ रहे तो उस टाइम मैं उधर नहीं था। अच्छा जब उन्होंने आपको छोड़ा तो आपको और आपके कुक को क्या छोड़ा? नहीं मेरे को ऐसे ही छोड़ दिया कि बांधा? मेरे को मेरे बाजू पीछे बांधी और मेरे आंख में पट्टी बांधी हुई थी और मेरे मुंह में पट्टी बांधी हुई थी। तो उन्होंने बोला अगर और कुक को भी ऐसी बांधा? हाँ, ऐसे बांधा। अच्छा। उन्होंने बोला अगर 4 बजे तक इधर से कहीं हिले तो इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। अच्छा अब फिर हम उधर ही रहे। उसके बाद काफी देर होगी तो मेरे को सर्दी लगने लगी, मेरे बाजू जो है ना काम कर रहे हैं। फिर मैंने अपनी उंगली वगैरह है उसको थोड़ा मूवमेंट किया, पैरों को भी मूवमेंट किया। जब मूवमेंट किया तो मेरे को खोलने की कोशिश की काफी देर बाद, तो मेरी जो जैकेट थी उसको मैं देखा भी हिलाऊं शायद खुल जाए, ट्राई किया कोशिश, लेकिन थोड़ी ढीली हुई। उसके बाद जब ढीली हुई तो फिर मैंने देखा अगर कोई आदमी होगा तो वो मेरे को आगे से कुछ ना कुछ बोलेगा क्या कर रहा है। फिर मैंने 2 मिनट वेट किया, फिर मैं थोड़ा और ढीला किया, फिर उसकी कोई आवाज नहीं आई, किसी तरह की कोई आवाज नहीं। अगर होता तो पत्तों की उधर आवाज आती या कुछ ना बोलते आपस में, ऐसी कोई आवाज नहीं मुझे सुनाई दी। फिर मैं थोड़ा सा उल्हा के फटाफट जो अपनी बाजू आंखों में बांधी हुई पट्टी उतारी और मुंह में जो मेरे को बांधा वो खोला उसको मैंने, और फिर साथ में जो मेरा मदन गोपाल है उधर खड़ा हुआ था उसको मैंने फिर अपने खोला, उसको उसके खोल के उसको साथ लिया। वो बोला भी इधर है, मैं कहा नहीं अब नहीं है, आवाज नहीं आ रही, इधर नहीं है, चलो फटाफट भाग जाए। उसके हम उधर से फटाफट भागे और आगे एक छोटा नाला है उसको हमने पानी से भीतर उसको क्रॉस किया। जब पानी क्रॉस किया तो क्रॉस करने के बाद एक सड़क है आगे से, सड़क को भी हमने क्रॉस किया और उसके एक बड़ा नाला है, बड़े नाले से आगे क्रॉस नहीं हो सकता, साथ एक पुल है उसके एक तरफ पानी है और एक तरफ सूखा हुआ पत्थर वगैरह है। उधर से हम थोड़ा सा जा रहे थे, आगे से एक लाइट दिखाई दी, ये नहीं पता वो किसकी ये लाइट थी। जब आए तो मेरा कुक बोलता है लाइट है सर भी, ऐसे कोई वो गाड़ी आपकी होगी। मैं कहा वैसे नीचे बैठ जाते कोई बात नहीं, ये मैं बीएसएफ की होगी तो लाइट तो लगी होगी, लेकिन हमने उधर बैठे रहे नीचे, जब नीचे बैठे रहे तो वो गाड़ी आगे चली गई आगे तरफ हमको ढूंढने के लिए। हम उसके साथ पुल की ओर से सीधा हम गांव चले गए। गांव में जाके फिर 3-4 आदमी को दरवाजे खड़काए हमने, उन्होंने नहीं खोले। फिर एक आगे जाके एक दाहिनी तरफ एक है, उधर एक बाहर दरवाजा नहीं लगा हुआ, उसके 4 द्वारी हो रखी है, वो हमने उसको खड़काया। फिर और बाहर से आए, बाहर आने के बाद फिर उसको हमने बताया अपने बारे। एक छोटा फोन था मेरे पास, 2 लेके थे, एक छोटा सैमसंग का फोन था मेरे पास। तो आप कह रहे हैं आपके पास 3 फोन थे? तीन थे, दो वो ले गए। हाँ, एक नहीं पता चला ना, क्योंकि उसके अंदर तो 3 फोन थे आपके पास टोटल। हाँ जी जी, और एक आपके पास छोटा रह गया। तो आपने किसको फोन किया? पुलिस कंट्रोल रूम, एसएसपी का, एसएसपी। अच्छा इस बात पे एक सवाल उठता है कि एक इनकंसिस्टेंसी रही है कि कितने टेररिस्ट थे। आपने शायद पहले बोला 4, फिर आपने बोला 5, अब लग रहे 4 की 5 याद नहीं। 5 इतने गिनती को, अंधेरा था उस वक्त, एकदम लाइट बंद कर दी। जब आगे आए तो मेरे को उसी वक्त ही आंखें बंद कर दी उन्होंने, मेरी आंखें बंद कर दी मतलब पट्टी लगा दी तो नीचे बैठा दी। उसी वक्त नीचे मेरे को नीचे उतार दिया। मुझे नहीं पता चला कितने पीछे बैठे कितने हैं, 2 आगे बैठे हुए थे, 1 मेरे ऊपर था, तो राजेश के मुताबिक उसके पीछे भी था एक आदमी। आपको तो आप को ये कंफ्यूजन है कि 4 थे कि 5 थे? हाँ ये कंफ्यूजन, लेकिन अभी तो बेस पे लग रहा है कि हो सकते 5 से भी ज्यादा थे, 6 से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे साथ वो इतने थे। अच्छा किस लैंग्वेज में इन्होंने बात की? वो उर्दू में भी बोले थे, पंजाबी में, उर्दू में, कि उर्दू में भी, पंजाबी, उर्दू और हिंदी भी बोले थे। हिंदी भी बोले थे, बट यू फेल्ट एकदम से ये टेररिस्ट थे और ये पाकिस्तान से जैकेट पहनी हुई थी उन्होंने, पूरा ब्रूथ था, AK-47 थी उनके पास। क्या और क्या वेपन्स थे? वो सारा कुछ था, बिल्कुल लैस थे वो, अपने वो जैकेट जो मिलिट्री के पूरा जो होती है उनके, वो सब कुछ पहना हुआ था और AK-47 हाथ में थी। और आपको लगता है कि ये एक सेकंड ग्रुप ऑफ टेररिस्ट भी हो सकता है? आपने कुछ सुना या अपने हैंडलर से क्या बात कर रहे थे? नहीं, वो उर्दू में बात कर रहे थे। वो उर्दू तो आप समझते होंगे? नहीं, इतना ही समझता। अच्छा जो लोग कह रहे हैं कि एसपी साहब कैसे बच गए, इसका मतलब दाल में कुछ काला है, आपने भी सुना होगा? मैं मर गया तो ठीक था, अब मैं बच गया हूँ तो वो कहते हैं दाल में काला है। ये तो उपराले की है ना, दया कि मैं बच गया। मारने तो आए थे दूसरी बस, जो पता चला मैं एसपी था। जब उन्होंने जैसे कंफर्म कर दिया कि जो एसपी है, तो फिर मुझे मारने आए। अगर ना होता तो मुझे मारने दोबारा आते ही ना उधर मेरे को। तो आप कह रहे हैं अगर आप मारे जाते तो कोई आप पे सवाल नहीं उठा रहा होता आज? हाँ वही ना। आप ये बताइए कि फिर राजेश को भी छोड़ा उसके बाद? जैसे को फिर उन्होंने क्या हमसे धोखा किया आपने?
क्या मतलब? कि मेरे साथ आपने हमारे साथ धोखा किया, उसको फिर काफी मारा, मारने के बाद उसको फिर उसके जो छुरी वगैरह जो जिससे पता चला उसको वो इधर से गले से काट के गए, उसको काफी वगैरह उसको पीटा। जो लोग कहते हैं कि आपके अकाउंट में इनकंसिस्टेंसीज हैं, आपको आपको एक आजकल आप भी सुन रहे होंगे मीडिया में किस तरह से सवाल है, उनको आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अक्स वाला आदमी हूँ, मैं धार्मिक हूँ और मैं किसी से बैर विरोध नहीं है मुझे, ना किसी से है। जो करता है वो उसको रिजल्ट वो खुद देखेगा। मैं किसी के साथ कोई भी ऐसा कोई कहना नहीं चाहता, मेरे जो बोलता है वो खुद बोल रहा है, लेकिन मैं नहीं, मैं बिल्कुल आदमी ठीक हूँ। कहीं आपको गलत लगे तो मुझे फांसी लगा दो, या अगर ऐसा कोई मेरे साथ है कि जहाँ मेरे कोई इधर फोन है या कोई किसी तरह भी कोई गलत है तो फांसी लगा दो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऊपराय से यकीन करता हूँ, और यकीन करता हूँ तो आज मैं इधर बैठा हूँ आपके सामने खड़ा हूँ, नहीं तो मैं ऊपर जाता।